Assalamualaikum children, it's your butterfly English class 1. Today our topic is friend, and in friends exercise we will do practice of articles. We will do practice of articles. In article there are three articles: a, an, and the. तीन आर्टिकल होते हैं ए, एन एंड द. तीन आर्टिकल है और आर्टिकल हम जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं. जब जनरल चीजों का कोई मेंशन करते हैं किसी चीज के मुतालिक तो फिर हम ए और एन लगाते हैं. ए और एन हम जनरल चीजों के लिए लगाते हैं और द हम स्पेसिफिक चीजों के लिए लगाते हैं. ठीक है, नीचे आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें आपने ये तीन वर्ड लगाने हैं. पहले आप ए उन वर्ड ए जो है वो उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे कि जो वॉल से स्टार्ट नहीं होते, जो वॉल से स्टार्ट नहीं होते. ए हम कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे कि वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हो. और एन हम उन अल्फाज के साथ, उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे कि जो वॉल से स्टार्ट होते हैं, वॉल से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हम एन लगाएंगे. और द हम स्पेसिफिक चीजों के साथ लगाएंगे, स्पेशल चीज के साथ लगाएंगे. ये दोनों हम जनरल के साथ यूज करेंगे और ये किसी स्पेसिफिक. नो, रीड फर्स्ट वर्ड बेड. बेड, बेड. अब आप मुझे बताएंगे बेड के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से. तो कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाएंगे, ए. वेरी गुड. ए आ बेड, आ बेड, आ बेड. सेकेंड वर्ड है हमारा टेबल, टेबल, टेबल. उसका हम पहला लेटर देखेंगे कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉल्स है. अगर तो वो वॉल्स है तो फिर हम एन लगाएंगे, अगर ये कॉन्सोनेंट है तो फिर हम ए लगाएंगे, आ लगाएंगे. ठीक है, टेबल, टेबल का फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आ टेबल, आ टेबल, आ टेबल. थर्ड वर्ड इज ईगल, ईगल, ईगल. ईगल का फर्स्ट लेटर जो है वो वॉल्स है, तो फिर वॉल्स के साथ हमने क्या लगाना है, एन, एन ईगल, एन ईगल, एन ईगल. फिश के साथ क्या लगाएंगे, अब आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ए हमने कहाँ लगाना है, एन हमने कहाँ लगाना है. अब आप मुझे खुद बताएंगे कि फिश के साथ क्या लगाएंगे. शाबाश, आ फिश, आ फिश. एन answer, an answer, an answer. a song, a song, a song. school जो के एक particular thing है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, the, 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 the school, the school, the school. अब आप अपनी बुक पे आएंगे पेज नंबर 5 पे. इधर आपको उन्होंने सारी एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं कि ए और एन हमने कहाँ यूज करना है, फिर द हमने कहाँ यूज करना है. ठीक है, ये नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें आपने ए और एन लगाकर इसको फिल करना है. इधर चूंकि उन्होंने द का इस्तेमाल नहीं बताया हुआ तो इसलिए आप स्कूल के साथ भी ए लगाएंगे, आ लगाएंगे. ठीक है, स्कूल के साथ भी आ लगाएंगे, आ स्कूल, आ स्कूल, आ स्कूल. आ बेड, आ टेबल, एन ईगल, आ फिश, एन आंसर, आ सॉन्ग, आ स्कूल.